सर एक्चुअली मैं बीएससी मैसोनर्स कर रहा हूँ और मैंने साथ साथ थिएटर ज्वाइन किया हुआ है. तो कोई भी कुछ काम होता है, जैसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो पहले बताता हूँ बीएससी मैसोनर, तो सब खुश हो जाते हैं. जब बाद में बोलता हूँ थिएटर भी कर रहा हूँ खुद की खुशी के लिए, सबके मुंह उतर जाते हैं. कोई समझता ही नहीं भाई बंदा क्यों कर रहा है, क्या करना चाहता है, इससे कहाँ जा सकता है, कुछ लेवल नहीं पता लोगों को, बस कहते हैं अर्निंग के लिए क्या करना चाहते हो. तो आप बोल सकते हो ना कि अभी तो सीख रहा हूँ, अर्निंग बाद में होगी सर. पर वो मना कहते यार ये सब चीजों में मत जाना, क्या पढ़ा है इन सब चीजों में. बोल तू मुझे क्यों बता रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं. सीधी सी बात है, आए देने वाले होते ना, जैसे घर पे जाते तो 7-8 जने मंडली बना लेते हैं. मेरे मैथ और बायो दोनों थी मेरे पे साइंस में तो एक कहता है फार्मेसी करा लो जी. कैसे बोलते हैं दोबारा से बोलना कैसे. नहीं मजा आ रहा है थोड़ा. कोई दिक्कत तो नहीं ना वीडियो में. चलता है तो क्या होता है जब वो लोग बैठते हैं, क्या बोलते हैं? पापा बुला दे प्यार से, बोलू नाम रखा. अच्छा बड़ा प्यारा नाम है यार. बोलू यार बता अंकल को नंबर कितना है. मैंने अंकल जी ऐसे ऐसे नंबर आए, मैथ्स में 90 आए, केमिस्ट्री में 90, बायो में 60. फार्मेसी करा लो, इसे फार्मेसी करा लो. फार्मेसी करा लो. दूसरे अंकल बैठ रहे थे फार्मेसी में, कुछ ने कहा इंजीनियरिंग कराओ जेई मेंस के पेपर. बच्चे से तो पूछो बच्चा कैसे मिला जाता है. तीसरे अंकल क्या करते हैं? तीसरे अंकल जो करते रहते हैं. अच्छा यहाँ को जाते रहते हैं. बनियान उठा के वैसे ही. मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जैसे बंदे उस टाइम पे क्या करें, उन सिचुएशन में क्या रिएक्ट करें उनके लिए. जैसे वो साथ में मंडली बना लेते उस टाइम टूट जाते. टूट जाते उनकी मंडली को तोड़ दो, आपस में फूट पड़वा दो इन लोगों में. एक बोलते हैं फार्मेसी करो, एक बोलते हैं इंजीनियरिंग करो. तो आप बोलो अंकल मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और उन दोनों को आपस में लड़वा दो. डिवाइड एंड रूल, सीधा सा फंडा है. इन्होंने फार्मेसी का बोला था. फिर उन्होंने एक बार ये भी बोला था, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना है. मैंने अंकल मैं ना एक्टिंग करना चाहता हूँ. मैं तो सोचा था कि मैं तेरे को अपनी लड़की से मिला था कि तू तो उसे राय देगा. ऐसा क्या कर रहे हो आप? एक इंसान बेचारा एक्टिंग ही तो करना चाह रहा है भाई लोगों के. क्या हो रहा है हमारे इस कंट्री में, देश में क्या हो रहा है? कोई गलत काम थोड़ी हो रहा है. मैं फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन देने गया था मेरे कॉलेज में, जब मैं ऑडिटोरियम में खड़ा हुआ था ना सर, मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट था. और जब मैं वहाँ पे एक्टिंग करी थी ना सर, वो बेस्ट था मेरे लिए. तो दिखाओ ना बेस्ट है. डायलॉग बोल दे. अरे जो मर्जी यार, जो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का है सर, वो चड्डी वाला जो चड्डी बिकता है. हो जाए चड्डी एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार रिश्तेदार चड्डी, हर कलर डिजाइन साइज हर फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी कौन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी. हर शेप में नीली पीली सतरंगी और चितकी वाली चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्वेटर, छोटा वीवो डर में छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी चड्डी नहीं फटेगी. क्या बात है, मतलब इस सब के बाद दिखानी भी होती है. एक्टिंग का? अरे मजे नहीं रुके नहीं. एक्टिंग करता हूँ वैसे मैं, नहीं बहुत अच्छी करता हूँ. किसकी? प्यक्कड़ लोगों की दिखाना जरा. मंगाऊँ आपके लिए कुछ? उसके लिए मतलब कैरेक्टर में आने के लिए. हाँ ऐसे ही अंदर से. दारू पीना ना बहुत गलत चीज होती है, क्योंकि दारू पीने से लीवर कर... मैं उधर बैठूंगा उससे मेरी बात सुनेंगे सर की कोई नहीं सुनेगा. आज मैं बोलूंगा दुनिया सुनेगी, दुनिया बोलेगी मैं नहीं सुनूंगा. अरे क्या बात है ये. ये क्यों कर रहे हो बार बार, ये क्या है? अच्छा बढ़िया यार, तो यही करो ना फिर, और क्या जरूरत है और कुछ. तुमसे यही सोचा है कि आज जाके पापा से बोल दूं पापा बीएससी नहीं होगी. और उन्होंने लगा दिया घुमा के कान के नीचे. तो चड्डी वाला डायलॉग सुना है. चड्डे 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 चड्डे.